आइए सुनते हैं आभा श्रीवास्तव जी की कहानी छलिया सुदूर पहाड़ों पर बसे उस आश्रम में अगर मैं अपने परिवार के साथ जाकर एक रात ना रुकती तो शायद मैं उस व्यक्ति को कभी ना देख पाती जिसे बरसों पहले आखिरी बार देखा था जिस व्यक्ति के साथ इतना मन से जुड़ी थी मैं वो मेरे लिए उसी क्षण मर गया था जब वो मेरी प्रिय सखी को छल कर चला गया था रजनी का स्तब्ध सफेद चेहरा और काँपते हुए अधर आज भी मेरी आँखों के सामने सजीव हैं मैं भाप भी नहीं सकी थी कि निखिलदार रजनी का इतना बड़ा सर्वनाश करके चले गए हैं यदि चाची ने सिर पीट पीट कर रजनी को नहीं कोसा होता गर्भवती रजनी ने चार माह तक अपने साथ हुए इस छल की किसी को हवा भी नहीं लगने दी थी और ना ही उसकी दुबली काया देख किसी को उस हादसे का आभास तक हो पाया था जिस दिन चाची को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी ना तो रजनी अबॉर्शन के लिए तैयार थी और ना ही डॉक्टर परमिट कर रहे थे सीधी सरल चाची ऐसे में सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती थी वो हमारी किशोरावस्था के दिन थे मैं रजनी और सुधा तिकड़ी थी हमारी सुधा हॉस्टल में रहती थी उसके पापा सीतापुर में सी थे बी करने सीतापुर से लखनऊ आई थी सुधा के लोकल गार्जियन थे उसकी मौसी और मौसाजी मुझे और रजनी को अपने मिडिल क्लास परिवार के आगे सुधा का परिवार एक छलावा एक स्वप्न नगरी लगता उसके जी स्वयं एक ब्यूरोक्रेट थे शहर में नाम और रुतबा था उनका सुधा अक्सर छुट्टियों में वहीं जाया करती थी वो तो हमें भी साथ चलने को कहती लेकिन अपनी सहमी हुई मिडिल क्लास मानसिकता के कारण मुझे और रजनी को वहाँ जाने में संकोच सा लगता कभी सूट ढंग का नहीं होता तो कभी चप्पलों में दो चार टाँके लगे रहते कॉलेज सड़क तक तो ये सब चल जाता था लेकिन सुधा के मौसा जी के बंगले पर जाने में एक संकोच लगता था मैं तो चार बहनों में चौथे नंबर पे थी बाबूजी की सामान्य सी आय थी जिसमें से खाने और पढ़ाई में ही काफी कुछ निकल जाता था सो फैशन की गुंजाइश ही नहीं बचती थी माँ मा हाय हाय करके दिन रात लड़कियों के ब्याह की चिंता में घुलती रहती थी दूसरी तरफ रजनी अपनी विधवा माँ की अकेली बेटी थी जिसकी आय का एकमात्र साधन स्वर्गीय पति की मामूली सी पेंशन और सिलाई बुनाई था पता नहीं सुधा की मित्रता के दायरे में हम कहाँ से आ गए थे उस दिन शनिवार था मैं रजनी और सुधा कॉलेज से निकले ही थे कि एक सफ़ेद फियड सामने रुकी अरे निखिलदा सुधा चहक पड़ी कार के अंदर जो युवक बैठा था उसे देखकर मेरी और रजनी की सांसें सी रुक गईं नीली शर्ट और जीन्स में गॉगल्स लगाए उस सुदर्शन युवक को हम दोनों मूर्खा सी देखती रहीं हमारे अपने घरों में किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध था शुरू से गर्ल्स कॉलेज में पढ़े थे इसीलिए लड़कों से कोई भी मेल नहीं था ये निखिलदा है मौसा जी के बेटे जब सुधा ने मिलवाया तो मैं और रजनी चुपचाप से खड़े रहे ना हेलो न हाय निखिल निखिलदा ने हाय कहा तो हम सोते से जागे चलो निखिलदा आइसक्रीम नहीं खिलाओगे सुधा ने कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया तो मैं और रजनी बैठ गए बाहर की तपती धूप के बाद कार के अंदर बैठना सुखदाई था क्वालिटी में जाकर ए की ठंडक में आइसक्रीम खाना मेरे और रजनी के जीवन का पहला अनोखा ही अनुभव रहा था सुधा के निखिलदा उस दिन से हम तीनों की तिकड़ी का चौथा हिस्सा बन गए थे फिल्में देखना और रेस्टोरेंट में जाकर चाय कॉफी स्नैक्स लेना मेरे और रजनी के लिए स्वप्न सरीखा था अपनी बड़ी बहनों की उतरन पर पड़ी बड़ी मैं घर में सबसे छोटी होने के बावजूद किसी की दुलारी न थी मेरी पढ़ाई खाने और कपड़े पर जो भी खर्च होता था उसे मैं एहसान की तरह ग्रहण करती थी दूसरी तरफ रजनी अपनी बेहिसाब सुंदरता के बाद भी अपनी माँ से दिन रात कोसी जाती थी क्योंकि पैदा होने के चंद सालों के भीतर ही वो अपने पिता को खा गई थी ऐसी परिस्थितियों में हम दोनों ही अपने अपने घरों में उपेक्षिता थीं इसी बीच निखिल दा का आगमन हमारे शुष्क जीवन के मरुस्थल में नखलिस्तान जैसा रहा शायद हमारे जीवन में आने वाले वो प्रथम पुरुष थे मेरे घर में बाबूजी का रहना ना रहना बराबर ही था क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर नौकरी करते थे मेरे उठने से काफ़ी पहले वो घर से निकल जाते और देर रात तक लौटते रजनी के घर में सदस्यों के नाम पर अकेली विधवा माही थी पता नहीं कैसे मैं और रजनी बीए में पढ़ने इस महाविद्यालय में आ पहुंचे थे निखिल दास से मिलने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं भी किसी को अच्छी लग सकती हूँ उनका एक खास सदा से उठना बैठना कार ड्राइव करना झुक कर सिगरेट पीना बात बात पर शेर व शायरी करना सब कुछ अलग सा लगता था उन दिनों विविध भारती का छाया गीत सुनते सुनते कहाँ की कहाँ खो जाती थी त जयशंकर प्रसाद और महादेवी की कविताएं, रानू गुलशन नंदा के उपन्यास मेरी कल्पनाओं को दूर तक पहुंचा देते उन कोमल कल्पनाओं के नायक निखिलदा होते और नायिका मैं। उस कच्ची उम्र में निखिलदा के साथ कॉलेज बंग करके आराधना अमानुष गुड्डी मिली आनंद फिल्में देखी गईं। निखिलदा अपनी पॉकेट मनी हम तीनों पर लुटा देते मेफेयर बसंत फिल्मिस्तान कैपिटल हर पिक्चर हॉल में हम चारों साथ रहते हर फिल्म में नायिका की जगह मैं होती और नायक रहते निखिलदा सपनों की कैसी गुलाबी उम्र थी वो आज मन करता है कि उसी उम्र में एक बार फिर लौट जाऊँ कॉलेज की छुट्टी के दिन भी हम एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर सुधा की मौसी के घर चले जाते इतने बड़े बंगले में किनारे के कमरे में हम चारों की गोष्ठी जमती तो घर में, में किसी को पता भी नहीं चलता मौसा जी दफ्तर मीटिंग और फाइलों में व्यस्त रहते और मौसी समाज सेवा में हम चारों के बीच कभी अंताक्षरी के बहाने रोमांटिक रोमांटिक गाने गाए जाते तो कभी ताश की महफिल जमती निखिल दा जब भूत प्रेत के किस्से सुनाते तो डर के मारे जान निकल जाती इसी बीच सुधा को हफ्ते भर के लिए सीतापुर जाना पड़ा तो वो सात दिन काटने भारी पड़ गए सुधा लौटी तो खुशखबरी के साथ उसका ब्याह तय हो गया था भावी पति पीडब्ल्यू में इंजीनियर थे और लखनऊ में ही पोस्टेड थे इतराती सुधा को देखकर उसके भाग्य से ईर्षा सी हुई थी मुझे कि दो ही दिन बाद रजनी ने भी मुझे निखिलदा का लिखा प्रेम निवेदन दिखाया तो मैं स्तब्ध रह गई मेरी हर अदा पर हर बोल पर नाटकीय ढंग से दाद देने वाले निखिलदा रजनी के इस कदर दीवाने होंगे मुझे अंदाजा भी नहीं था सुधा के ब्याह में महीना भर शेष था ब्याह लखनऊ से ही होना था मुझे और रजनी को तो विशेष आमंत्रण था लेकिन मुझे कुछ ऐसा धक्का लगा था कि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर में ही पड़ी रही जिस दिन सुधा का ब्याह था रजनी ने चाची का सिला हुआ गुलाबी लहंगा पहना था बेहद सुंदर दिख रही थी ब्याह वाले दिन सुधा ने रजनी को रोक लेने की आज्ञा चाची से ले ली थी ब्याह के अगले दिन निखिलदा स्वयं उसे छोड़ने आए थे रजनी कुछ बदली बदली सी लग रही थी परीक्षा की तिथि आ गई थी सो पढ़ाई में जुटना था सुधा के ब्याह के बाद निखिलदा अचानक ही दिल्ली चले गए रजनी से भी मैं कुछ कट सी गई थी आखिर उसने मुझसे मेरा स्वप्न पुरुष छीना था बी ए फाइनल के वो छः सात महीने अब एक सुनहरा अतीत बनकर रह गए थे हमारे परिवार में अचानक ही दो खुशियाँ एक साथ आ गई थीं दोनों बड़ी दीदियों का ब्याह एक ही घर में एक ही मुहूर्त में तय हुआ और साथ ही बाबू का सीनियर अकाउंटेंट के पद पर प्रमोशन हो गया हंसी खुशी दोनों दीदियाँ विदा हुईं तो माँ के चेहरे की निश्चिंता देखते ही बनती थी बार बार वो भगवान के आगे माथा टेकती थी कि अनायासी एक दिन चाची के घर में विस्फोट हो गया भागी हुई मैं उनके घर पहुंची तो वो दोनों हाथों से कभी रजनी को पीटती कभी स्वयं को बिलक बिलक के रो रही थी वो पूरी बात सुनकर मैं सन्न रह गई थी सुधा के ब्याह वाली रात क्या हुआ था कुछ तो हुआ ही होगा तीन चार महीने तो परीक्षा की तैयारी और दीदियों के ब्याह में कैसे बीत गए कि पता ही नहीं चला रजनी का पीला चेहरा देखकर यही लगता था कि वो पढ़ाई के टेंशन में है किंतु बात तो कुछ और ही थी जिसे चाची आज जान पाई थी रजनी को चार माह का गर्व था सुधा के ब्याह के बाद ही से निखिलदा जो पलट कर गए तो सब तब से लखनऊ से लौटे ही नहीं तो तब से सो तब से लखनऊ लौटे ही नहीं सुधा के मौसा जी का भी प्रमोशन और तबादला हो गया था मूर्ख रजनी नहीं जान पाई थी कि जैसे बाकी बड़े घरों के बिगड़ैल लड़के होते हैं निखिलदा उनसे अलग न थे मैं स्वयं को भाग्यशाली मान रही थी कि इस धोखे का शिकार मैं नहीं हुई लेडी डॉक्टर ने जब गर्भपात करने से इनकार कर दिया तो चाची ने कोस कोस कर रजनी को मर जाने का शाप दिया था लेकिन रजनी को तो तिल तिल कर मरना था उसके दूर के रिश्ते के चाचा ने अपने एक मंदबुद्धि निकम्मे रिश्तेदार से कुछ ही दिनों में रजनी के आनंद फानन में फेरे पड़वा दिए थे और वो मूर्ख घर जमाई बनकर रजनी के घर में ही रहने लगा था जब तक मेरा ब्याह हुआ चाची स्वर्ग सिधार चुकी थी रजनी का पति मंदबुद्धि होने के साथ गऊ स्वभाव का भी था उसे मात्र खाने से मतलब था और रजनी को पति नाम के एक इंसान की आवश्यकता थी रजनी का बेटा निखिल दा का रंगरूप लेकर पैदा हुआ था घर चलाने के लिए रजनी ने पास के ही एक स्कूल में नौकरी कर ली थी अपने ब्याह के बाद मैं दिल्ली चली आई थी माँ बाबूजी के ना रहने के बाद मेरा लखनऊ आना जाना बेहद कम हो गया था कि एक दिन दिल्ली में कनॉट प्लेस में सुधा मिल गई कई बरस बाद देख रही थी उसे फूल सा खिला उसका चेहरा उसकी खुशी संतुष्ट परिवार साथ ही साथ अपनी भरी पूरी गृहस्थी देखकर मेरी आंखों के सामने रजनी का उदास चेहरा घूम गया निखिल दा का छल पता नहीं सुधा को मालूम था या नहीं रजनी कहाँ है कैसी है जब सुधा ने उन्मुग्ध भाव से पूछा तो मैं समझ गई कि सुधा पिछली सभी बातों से अनजान थी मैं उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे आई उस दिन बदली छाई थी पति बच्चों को स्कूल ऑफिस भेजकर मैं गृहस्थी समेट ही रही थी कि कॉल बेल बज उठी देखा सुधा खड़ी थी अलमस्त तरीके से वो मुझसे लिपट गई और सुना सुमन क्या हाल है वो खिलखिला रही थी चाय कॉफ़ी खाने के बीच निखिलदा का जिक्र निकल ही आया मौसा जी तो रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद ही चल बसे सुमन वो ठंडी सांस लेकर बोली निखिलदा ने पढ़ाई का बहाना लेकर मौसा जी की दौलत दोनों हाथों से उड़ाई लेकिन न कहीं नौकरी की न बीए के आगे पढ़ाई ऊपकर मौसी वृंदावन चली गई तो फिर निखिल दा ने मौसा जी के एक मित्र की निहायत बदसूरत बेटी से ब्याह कर लिया और घरजमाही बन के रहने लगे कारण साफ था निखिल दा को पैसे की आवश्यकता थी और अपर्णा भाभी को एक अदत पति की अपर्णा भाभी के दिमाग का कोटा विधाता ने भाव से भरा था वो स्वयं एक आई अधिकारी थी दिखने में बेहद बदसूरत मर्दानी मुंह पर चेचक के दाग लेकिन मन की उतनी ही निश्चल सरल रहस्ती बसी एक बेटी भी हुई लेकिन निखिलदा का रंगीन स्वभाव अपने व्यक्तित्व का वैसा का वैसा ही बना रहा कमाकर लाती अपना भाभी और उड़ाते निखिलदा जो औरत दफ्तर में अपने मातहतों को नियंत्रण में रखती पूरा पुलिस महकमा उसके अनुशासन में रहता वह घर में निखिल दा के सामने कुछ नहीं बोल पाती चपरासियों के सामने ही निखिल दा भाभी की बेइज्जती कर देते आई ए अधिकारी का इकलौता बेटा होने का दम उनमें कूट कूट कर भरा था अपर्णा भाभी इतनी जलालत मात्र इसलिए सहती थीं कि परिवार बचा रहे इसी बीच एक हादसा और हुआ अपर्णा भाभी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और फैलता ही चला गया डॉक्टर्स को तुरंत ही निर्णय लेना पड़ा और उनके दोनों वक्ष निकाल दिए गए मरदानी अपर्णा भाभी और भी मरदानी लगने लगी निखिल दा को उनसे प्यार तो कभी रहा नहीं और अब शायद वितृष्णा भी हो गई थी सुमन बता क्या परिवार और घर बचाने की जिम्मेदारी केवल औरत की ही होती है सुधा ने पल भर रुक मुझसे पूछा मैं चुपचाप सारी कहानी सुन रही थी निखिल दा की करतूतें सुनकर मुझे स्वयं पर शर्म आ रही थी कि इतने नीच व्यक्ति से कभी मैंने भी प्यार किया था प्यार था या आकर्षण पता नहीं सुमन इसके बाद निखिल दा घर पर एक बेहद कम उम्र की ईसाई लड़की को ले आए सुधा आगे कहती रही तलाक के कागज लाकर अपर्णा भाभी के सामने रख दिए कि वो लिली से ब्याह करना चाहते हैं अपर्णा भाभी ने तलाक के कागजों पर दस्तखत नहीं किए वो समझौता करने को तैयार हो गई और उसी विशाल सरकारी बंगले के आलीशान बेडरूम में निखिलदा लिली के साथ ठाट से रहने लगे मातहतों में फुसफुसाहट होती लेकिन अपर्णा भाभी निर्विकार रहती लेकिन छ माह बीतते न बीतते लिली अपर्णा भाभी के घर से काफ़ी गहने माल असबाब लेकर चंपत हो गई वो कोई निखिलदा की ब्याहता तो थी नहीं शर्म के कारण उसे खोजने का प्रयास भी नहीं किया गया पता नहीं निखिल दा को कौन सा रोग दे गई थी लिली उनके पूरे शरीर पर मुंह के अंदर तक छाले निकल आए थे कुछ भी खाना पीना मुहाल हो गया था बोलना तक कठिन था अपर्णा भाभी ने उन्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में दाखिल कराया अच्छे से अच्छा इलाज कराया वो तो निखिल दा को इलाज के लिए विदेश भी ले जाती लेकिन एक रात निखिल दा सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चले गए बहुत खोजा सुमन लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला सुधा का गला भर आया था वातावरण में एक उदास चुप्पी फैल गई थी सुधा रजनी की हाई लेडूब भी निखिलदा को मेरा इतना कहते ही सुधा चौक पड़ी क्या कह रही है सुमन क्या रजनी को भी निखिलदा ने धोखा हाँ सुधा रजनी का बेटा उसके पति का नहीं निखिलदा का बेटा है चलू सुमन नहीं तो पता नहीं अभी कौन कौन से राज खुलेंगे रजनी और निखिलदा तो पता नहीं कि नधेरों में खो गए अगर निखिलदा जीवित हुए और कभी मुझसे मिले तो उनसे जरूर कहूंगी कि रजनी और अपर्णा भाभी दोनों से क्षमा मांग लें नहीं तो मरकर भी उनकी आत्मा भटकती रहेगी उन्हें शांति नहीं मिलेगी सुधा उठ खड़ी हुई हम दोनों के मन व्यथित थे भारी थे कुछ ही बरस बाद जब पहाड़ पर बसे इस आश्रम में आई तो क्या पता था कि यहां पर इस तरह निखिलधा से सामना हो जाएगा जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज के लिए विख्यात इस आश्रम में दूर दूर से लोग असाध्य रोगों के इलाज के लिए आते हैं मैं जब उत्तराखंड घूमने गई तो इस आश्रम की ख्याति सुनकर ही यहाँ आई थी देवदार के वृक्षों से घिरे इस आश्रम में एक रात रुकने का लोभ मैं रोक नहीं पाई थी आश्रम का अतिथि गृह बिल्कुल बंकिम चंद्र के मुजरिम हाजिर उपन्यास में जैसा वर्णित है वैसा ही था जहाँ नायक अपनी आत्मकथा लिखता है आश्रम के अस्पताल के अहाते में कुर्सी पर बैठे निखिल दा ने शायद मुझे पहचान लिया था तभी तो जब पति दूसरी तरफ बाबा जी से वार्तालाप में व्यस्त थे निखिलदा ने धीरे से आवाज दी सुमन उस पुरानी खनकदार आवाज को सुनकर सहसा ही मैंने पलट कर देखा समय ने उन्हें कितना बदल दिया था आपात मस्तक बदले निखिलदा में अगर कुछ पुराना शेष था तो केवल उनकी धीर गंभीर आवाज और घने घुंघराले बाल उस कंकाल मात्र रह गए शरीर में मैं पुराने दा को खोज ही रही थी कि उन्होंने मुझे वही पुराना बेहद पुराना संबोधन दिया सुमन मन सुचित्वनी इस प्रौढ़ उम्र में भी लाज और रोमांच से भर गई थी मैं उनकी करुण हंसी देखकर मुझे रोना आ रहा था सशंकित सी मैं उनके पास पहुंची। रजनी है सुमन थरथराते स्वर में उन्होंने पूछा आज भी लखनऊ में ही है क्या मेरी आंखें भर आई थी लाख पापी थे निखिलदा कभी इन्हीं के सम्मोहन में बनकर मैंने किशोरावस्था के कितने मधुर स्वप्न देखे थे मेरी कल्पना के पहले स्वप्न पुरुष थे वो तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है निखिलदा मैंने कांपते स्वर में निखिलदा को बताया तुमने ऐसा क्यों किया निखिलदा रजनी को भी धोखा दिया और अपर्णा भाभी को भी उसी की सजा भुगत रहा हूँ सुमन रजनी को धन के लिए छोड़ा तो अपर्णा को सौंदर्य के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है लिली मुझे ठक कर लूट कर भाग गई और बदले में इतना भयानक रोग दे गई रजनी से कभी मिलना हो तो मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना सुमन पल पल करके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पता नहीं कितनी रजनी और अपर्णाओं का दोषी हूँ मैं शायद किसी एक का भी क्षमादान मुझे इस पापी शरीर से मुक्ति दिला सके वो दोनों हाथ से मुंह ढाप कर रो रहे थे मैं उन्हें रोता छोड़कर चली आई अगले दिन आश्रम छोड़ने से पहले निखिल से एक बार फिर मिलने गई ये बताने के लिए कि मैं वहाँ से वापस लखनऊ ही जा रही हूँ निखिल दा ने एक कातर अनुरोध किया सुमन क्या एक बार मेरे बेटे को मुझसे मिला सकोगी रजनी से मेरा अनुरोध कहोगी तो वो ना नहीं कहेगी मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी की ही जाती है ना मैं कोशिश करूंगी निखिलदा आंसुओं को रोककर मैं वहां से चली गई जाते जाते रजनी का पता उन्हें थमा गई थी मैं उत्तराखंड घूमते हुए हफ्ता भर और लग गया पूरे आठ दिन बाद लखनऊ पहुंची थी मैं बंद पड़े मायके गए घर का ताला खोलते हाथ काँप रहे थे मेरे पति लौटते मैं दिल्ली चले गए थे पड़ोस से रजनी ने मुझे देख लिया तो भागती चली आई सुमन चल मेरे साथ सफाई हो जाने के बाद आना अभी मैं दुलारी को भेजती हूँ चाय पीते हुए मैंने रजनी को निखिलदा वाली बात बताई रजनी शांत थी उसके पति अब इस दुनिया में नहीं थे उनके नाम का सिंदूर तो उसने मिटा रखा था लेकिन छोटी सी लाल बिंदी हमेशा लगाती थी रजनी ब्याह के पहले से ही शायद कॉलेज के समय से हम लोगों को उसके माथे पर बिंदी देखने की आदत सी पड़ गई थी मेरी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोली कुछ देर बाद अंदर जाकर लाल कपड़े में लिपटा बंडल जैसा कुछ ले आई मैं समझी उसके हाथ में कोई धार्मिक ग्रंथ है सुमन मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया गीता रामायण मंत्र नहीं पढ़े लेकिन भगवान के आगे घंटों बैठती थी विश्वास कर सकोगी ये निखिल के पत्र हैं तब से अब तक इन्हीं पत्रों को पूजा के बहाने रोज ही न जाने कितनी बार पढ़ा है मेरे लिए ये वेद पुराण से भी अधिक पवित्र हैं क्योंकि मेरे प्रथम प्रणय की निशानी है ये पत्र पर निखिल को क्षमा नहीं कर पाऊंगी निखिल मुझसे छल कर सकता है अपनी जीवित पत्नी से छल कर सकता है लेकिन मैं अपने स्वर्गीय पति को धोखा नहीं दे सकती मेरे बेटे को पिता का नाम तो उन्होंने ही दिया है कमरे में एक बोझल चुप्पी छाई थी कि कॉलबेल की करकश ध्वनि ने सन्नाटा तोड़ दिया पोस्टमैन मैंने जाकर चिट्ठी ले ली कोना कटा पोस्टकार्ड था निखिल बैनर्जी इज नो मोर मेरी आंखें भर आई थीं चुपचाप वो पोस्टकार्ड रजनी को दे दिया रजनी चुप थी भुलाई रोकने के प्रयास में उसका चेहरा बेहद दयनीय बन गया था वो उठकर बाथरूम चली गई कुछ देर बाद मुँह धोकर लौटी तो उसका माथा सूना था एक बहुत पुरानी बात अचानक याद आ गई थी एक बार निखिल दा ने मुझे देखते हुए रजनी के साथ मिलकर एक गीत गाया था तेरी बिंदी और बावरी सीमा स्वयं पर इतरा रही थी किंतु उस गीत का रहस्य इतने दिनों बाद अब खुला था रजनी के माथे पर बरसों से लगी हुई लाल बिंदी आज मिट गई थी तो ये थी आभा श्रीवास्तव जी की कहानी छलिया सुनने के लिए धन्यवाद